दोस्तों, कंगारू टीम को कुचलने के बाद अब हमारी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के लिए रवाना हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-1 से हराकर हमारी भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, अब हमारी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की धरती पर पहुंच गई है, जहां पर पहले T20 की सीरीज खेली जाएगी। और इस सीरीज में एक बार फिर सूर्य कुमार यादव T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को रौंदने के बाद अब सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान सूर्य कुमार ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अकेले के दम पर साउथ अफ्रीका को उखाड़ कर फेंक देंगे। कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 में सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले और घातक गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को ही शामिल किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कप्तान सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी करवाई है, पहला T20 मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा, इस मुकाबले को आप लाइव कैसे देख पाएंगे, तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसीलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद 2 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे और 2 ही टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप अपने टेलीविजन पर, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल में हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 फॉर्मेट में हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो अभी तक दोनों टीमों के बीच 24 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 13 मुकाबले में जीत दर्ज की है, जबकि साउथ अफ्रीका को मात्र 10 मैच में ही जीत मिली है। इस हिसाब से दोस्तों, भारतीय टीम का पलड़ा साउथ अफ्रीका पर भारी ही रहने वाला है। वैसे भी दोस्तों, हमारी भारतीय टीम में युवा बल्लेबाज और गेंदबाज T20 फॉर्मेट में शामिल है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में किन 11 खतरनाक भूखे शेरों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्या होगी भारतीय टीम की पहले T20 मुकाबले में खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन होगा ओपनिंग बैटर, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव में किसे स्पिन गेंदबाजी के लिए शामिल किया गया है, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार में से किसे प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले हमारी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ ही T20 सीरीज खेलेगी, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ऐसे में मात्र 2 ही सीरीज में कप्तान सूर्य कुमार खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार करना चाहते हैं, जिससे इस बार T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ही जीते। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कई सारे बड़े उलटफेर कर दिए हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल मैदान में उतरेंगे। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ भी भारतीय टीम में शामिल है, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और अब उनकी जगह शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल कितने खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है, दोनों की ही बल्लेबाजी खतरनाक है। अगर ये दोनों बल्लेबाज चल जाते हैं तो बिना अर्धशतक लगाए वापस भी नहीं आते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को
कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों, वैसे तो ईशान किशन एक ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन उन्हें नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बैटिंग कराई गई, जहां पर उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, इसलिए अब नंबर 3 पर ही ईशान किशन बल्लेबाजी करने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। श्रेयस अय्यर मौजूदा समय में काफी बेहतरीन लय में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम 2 मुकाबले में भी उन्हें खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आपको बता दें, नंबर 5 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए स्वयं मैदान में उतरेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव कितने मैच विनर खिलाड़ी हैं, T20 फॉर्मेट में उनके बल्ले से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है। मौजूद समय में ICC रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को सूर्य कुमार यादव से बहुत ही सावधान रहना होगा और उनके खिलाफ नए प्लान के साथ मैदान पर उतरना होगा। जबकि दोस्तों, नंबर 6 पर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में रिंकू सिंह ने हर एक मुकाबले में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अंत के ओवरों में रिंकू सिंह बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए रिंकू सिंह सबसे बेस्ट प्लेयर बन गए हैं और उन्हें वर्ल्ड कप में जरूर खिलाया जाएगा। दोस्तों, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा प्लेइंग 11 में खेलने के लिए तैयार है। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा को T20 सीरीज में भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया है। जडेजा बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि दोस्तों, गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई को पहले मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला है। तो वहीं पर दोस्तों, तेज गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान संभालेंगे। मोहम्मद सिराज की वर्ल्ड कप के बाद अब साउथ अफ्रीका के दौरे पर वापसी हो रही है। जैसा कि आप सभी ने मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी वर्ल्ड कप में देखी है, हम सब उम्मीद करते हैं कि यह तीनों ही गेंदबाज अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जिताएंगे। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए ये रही भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11। इस प्लेइंग 11 में और किसे शामिल करना चाहिए था, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।